Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Good morning to you all. Today's morning Hukum Nama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Jatsuri Ang 700 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day -day life. सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी जय श्री महला पंजवा कर तीजा दूप दे इक ओंकार प्रसाद वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु God, देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो गिव मी अ मैसेज फ्रॉम माय बीलव्ड टेल मी टेल मी बिसम पई मैं बहुत बिद सुनते कहू सुहागन सहियो रहाओ आई एम वंडर स्ट्रॉक हियरिंग द मेनी रिपोर्ट्स ऑफ हिम टेल देम टू मी ओ माय हैप्पी सिस्टर सोल ब्राइड्स को कह तो सब बाहर बहार को कह तो सब से दैट ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड टोटली बियॉन्ड इट वेल अदर्स से दैट ही इज टोटली विद इन इट बरन न दी से चिहन न लखिए सुहागन साथ बुझियो हिज कलर कैन नॉट बी सीन एंड हिज पैटर्न कैन नॉट बी डिसन ओ हैप्पी सोल ब्राइड्स टेल मी द द्रूथ यू थी नेम एनी थिंग और उसकी आपके सामने इमेज आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल आप बोलो जीब्रा जीब्रा की इमेज आ जाएगी आप बोलो ह्यूमन बींग तो एक ह्यूमन बींग का फिगर आपके सामने आ जाएगा आप कोई भी चीज जिस जिन चीजों को हम इंसानों ने नाम दिए हैं नेम एनी उसकी इमेज आपकी आंखों के आगे आ जाएगी नाउ यू थिंक अबाउट ऑल माइटी उसकी कुछ इमेज आती है पर एक चीज हम सब में कॉमन है कि हम सब उसके बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं वो कहां है कोई कहता है कि वो बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड और कोई कहता है कि वो तो आपके अंदर ही है एनीवे anyway, जो भी आपको इनसाइट मिलती है जो भी आपको इंट्रोस्पेक्शन होती है जो भी आप उसके बारे में कहीं से लर्न करते हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ देखिए आप ऑरेंज को देखिए ऑरेंज को डिस्क्राइब कीजिए ब्यूटीफुल राउंड इन शेप और सन के जैसा उसका कलर है दिखने में बहुत सुंदर है बट आपको एक्सपीरियंस तब होगा व्हेन यू पील इट एंड ईट इट देन यू कैन टेल यू कैन एक्सप्लेन द अदर पर्सन इन अ बेटर वे सो दैट्स व्हाई व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ दैट इज इम्पॉर्टेंट कुछ भी ज्ञान बोलते रहना आई मीन अदर पर्सन वोंट गेट इट बिकॉज आपके बोलने में वो कन्विक्शन ही नहीं होगी बट जब आप छोटी सी चीज़ भी इम्प्लीमेंट करके बोलेंगे तो उसमें कन्विक्शन होगी क्योंकि उस चीज़ को आपने जाना है यू हैव लिव्ड द थिंग यू हैव एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन योर ओन लाइफ तो आज एक असाइनमेंट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट आप कहीं से भी कुछ पढ़ते हैं अच्छा आपको लगता है एक फील गुड होता है बट वो फीलिंग गुड बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है इसीलिए जो मोटिवेशनल स्पीच हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए वर्क करती हैं उसके बाद बैक टू स्क्वेयर वन हो जाता है क्योंकि आपके लिए एक एक्शन की ओपनिंग नहीं होती तो आज कहीं से भी आप कुछ पढ़ते हैं कुछ सुनते हैं या आपने कुछ पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपने आसपास अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की तो आज इस असाइनमेंट को करके देखिए जो जो बहुत थोरेटिकली आप बहुत चीज़ें को ढूंढ रहे हो कि कैसे होते हैं और थियोरी को आप यहाँ पे भरते जा रहे हो उनमें से थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए सो डू दिस एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसिस विद मी टेक केयर Be balanced, be happy. My